फोकस है, ठीक है हो गया। चल केमिकल बातें करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कल आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? एक्सक्लूजन पार्टी, चलो थोड़ा छुट्टी रखी जाए फिर। कम्बशन बात फिर चल नहीं पाई क्लास, देखो ऐसे ही 20 मिनट हो गए। कम्बशन यानी दहन, सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज कम्बशन। जैसे रावण का दहन होता है उसमें फिर कुछ भी ना बच जाए। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड, उससे क्या बनेगा, इज कॉल्ड कंबशन। सो when हाइड्रोकार्बन भी बर्न कर सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, इसमें सी एच और ओ होता है और इसमें क्या होता है, सी और एच होता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट बर्न्स, देन इट प्रोड्यूसेस। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर। समझ में आया? जो हम लोगों के गैस चूल्हे में अगर कोई टम्बलर रखा हुआ है जिसमें दूध है, तो कई बार तुमने यहाँ पर थोड़ा सा वो देखा होगा कि वेपर्स, वो वाटर की वेपर्स हैं जो उसमें से निकलती है और ब्यूटेन जल रहा होता है। इसके नीचे जो सिलेंडर है उसमें क्या भरा हुआ है, तो दैट इज ब्यूटेन, दैट इज C4H10 85%, और साथ में C2H6 15%, इसको LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो अब जरा देखो, मान लीजिए C4H10 एक हाइड्रोकार्बन है और इसकी बर्निंग की जाए एयर के माध्यम से, तो एंड प्रोडक्ट्स यशिका क्या क्या बनेंगे बताइए। CO2 यहाँ लिखा है सर, CO2 प्लस H2O, तो C4 है तो ये 4 हो गया और H2 यहाँ पर कितने बनेंगे? हाँ बोलिए सर, इसमें हीट भी तो प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो अब यहाँ पर 5 हो गया और साथ में हीट भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीट कंबशन। अब इसके आगे तुम चाहो कि CO2 से और एनर्जी पा लो तो नहीं कर सकते हैं। C4H10 की बर्निंग की है, तो बर्निंग करने का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर इसकी बर्निंग की जाए। अगर किसी भी फ्यूल क्या होता है, That is which on burning produces heat or heat energy is called fuel. बात समझ आ गई? फिर हम उसका चाहे किसी चीज में यूज करें, पेट्रोल, कोल, डीजल, ये सब क्या है, दीज आर वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूल, दैट इज LPG, CNG मीथेन है, CH4 को क्या कहते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो जमीन के अंदर से निकलती है, तो ये सारे फ्यूल हैं। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ कंबशन। इसका थीम क्या है बताइए, कार्बन कंपाउंड्स आर हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड, इफ कंबशन टेक्स प्लेस देन इट विल इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया। बात समझ में आ रही? तो अब इसमें हम O को बैलेंस कर लें, क्या यहाँ 8O है, तो 8O और 5O तो मिलकर कितने O हो गए बताओ जरा, 13O है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं 13/2, तो यहाँ 13 हो गए, और पूरे में अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 से, C4H10 प्लस 13O2, दिस इज बर्निंग ऑफ ब्यूटेन, सो इट गिव्स अस 8 CO2 और प्लस 10 H2O प्लस हीट,
इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बर्न होता है, जिसको कि रेस्पिरेशन कहते हैं, तो C6H12O6 इसी कंप्लीट बर्निंग हो जाती है O2 की प्रेजेंस में। तो बोलो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, चाहो तो इसमें क्या है, ग्लूकोज खाया, सांस ली और पानी पिया, पानी में डाल के ग्लूकोज खा देते हैं। तो दैट इज, इसमें वाटर ले लिया तो 6 वाटर लेते हैं, जितना पानी पियोगे उसका डबल यूरिन बनेगा। तो यहाँ पर देखने पर क्या पता चलता है, 6 CO2 बन गया और क्या 12H2O बन गया, और साथ में बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, लाइफ मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सो ये आपने देखा, ये किसका कंबशन है, हाइड्रो, ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्यों कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, दैट इज का नाम पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन। क्योंकि शुरू में जो अज्ञानता की वजह से साइंटिस्ट ये सोच बैठे थे कि 6 कार्बन को 6 पानी ने गीला कर रखा है, और इसीलिए बाद में जब स्ट्रक्चर देखा उन्होंने तो पता चला नहीं इसका कुछ और ही स्ट्रक्चर है, फिर भी आज तक इसका नाम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हाइड्रेट आपने देखा होगा ना, हाइड्रेटेड कंपाउंड जो क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, देखो वही पड़ेगा C6H12O6 पड़ रहा है कि नहीं। तो ऐसा होता नहीं है, और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, जो शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप और 1 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जो कि आप अगले क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन हमें इन सबसे खैर ज्यादा मतलब नहीं, अभी हाइड्रेटेड कार्बन करके से बोला जाए तो उसे कार्बोहाइड्रेट, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो और बुक में क्या दिखाया गया है, अगर कोयला जला रहे हैं सबसे पहले तो C+O2 से क्या बना, तो ये कोल है। नेक्स्ट देखो CNG जला रहे हैं तो मीथेन गैस है, मीथेन गैस भी नाम है इसका, मार्स गैस भी है, क्योंकि दलदली एरिया मार्स होता है, वहां से जो गैस निकलती है, या सब्जी मंडी में जब सब्जी सड़ती है, वेजिटेशन के सड़ने से जो गैस निकलती है वो इनफ्लेमेबल होती है, उसी को मीथेन कहते हैं। जमीन के अंदर जो लोग दफन हो गए हैं डायनासोर, उनमें से जो गैस निकली उनके डिकम्पोजिशन से, वो भी मीथेन गैस है। तो जब भी पेट्रोल निकालेंगे तो सबसे ऊपर उस रॉक ऑयल में से मीथेन गैस ही निकलती है, और वो सब जगह CNG के रूप में पूरे भारत में सप्लाई हो रही है, फिर बाद में पेट्रोल निकलता है। तो इस तरीके से ये क्या है बताइए, मीथेन है, तो इसके कंबशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, और जैसा कि प्रवलीन ने बताया साथ में सबके क्या प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर, कंबशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट क्या है, अगर एल्कोहल तो CH2 और OH, एल्कोहल को भी जलाया जा सकता है। इवन एल्कोहल पीने से तुमने देखा है कि किसी के शरीर में पसीना आ जाता है, और दिल पिक्चर में माधुरी दीक्षित और आमिर खान बीच में एल्कोहल डाल देते हैं और उसी में आग लगा के उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि एल्कोहल से फ्यूल होता है, बॉडी में भी लोग पी लेते हैं तो एक एनर्जी, पसीना आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये देखो, तो अब यहाँ पे क्या चीज बात समझ में आई कि 2CO2 क्या चीज हो जाएगी, ये देख लो 2CO2 बन गए, और क्या है दैट इज H कितने हैं 3H2O, तो O अब कितने हो गए बताओ, 4-7 हो गए। तो 7 के लिए यहाँ क्या लिखें, एक तो यही हो गया, तो क्या यहाँ 3 लगा दें, तो और प्लस एनर्जी, लिख सकते वही चीज है जैसा कि ध्रुवांशी ने कहा, इस चीज को भी अब समझना होगा। ये देखो ध्रुवांशी आखिर में कहना क्या चाहती है, ये कह रही है कि सी क्या यही इथेन है बोलो, और अगर हम इसको ऑक्सीजन की सप्लाई करें, किसकी सप्लाई करें, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने पर ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, H, 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 तो बताओ इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना, क्या इथेनॉल, देख लो C2H5OH तो बना, सिर्फ यहां इसके बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, बोला हमें भी जगह दो, हम भी बीच में आएंगे, तो जहां H था उसके बीच में आ गया क्या,
फिर आपने और ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने का मतलब है आप इसमें HNO3 डाल दो, उसके पास बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नहीं डाल सको बाजार में, ये सस्ता मिलता और ये डाल देना, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन सबको डाल देने से, और नहीं तो लाल दवा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना, और ये आपकी बुक की अगली रिएक्शन है K2Cr2O7, वो भी डाल सकते हो, वो सब वहां पर रखा है, थोड़ी देर में दिखाएंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसमें ऑक्सीजन खूब है, वही ऑक्सीजन ये यूज कर लेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, इन सबको क्या कहते हैं बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी में ऑक्सीजन जोड़नी हो तो इन चारों का यूज किया जा सकता है कि नहीं, तो देखो हमने O2 लिखा है पर वास्तव में इन सब का यूज किया गया जब भी ऑक्सीडेशन करना है। जरा देखो तो अपनी बुक की रिएक्शन नंबर केमिकल इक्वेशन एडिशन रिएक्शन के ठीक ऊपर क्या ऐसा लिखा हुआ है KMnO4 या फिर K2Cr2O7 लिखा हुआ है ना, तो क्या उनको ऑक्सीडेशन के तौर पर यूज किया गया है। अब जरा देखो यहां से ऑक्सीजन और आई, फिर से देखो तो यहां पर दो बॉन्ड बन गया, जरा देखिए, और ये OH, तो कैसे बने वो देख लो, तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन ने कहा भाई हमको भी जगह दो, जगह उसने मांग ली कि नहीं बोलो, फिर से एडिशनल ऑक्सीजन, सब मैं बार बार KMnO4 डाल रहा हूँ सब में, और क्या डाल रहा हूँ, और फिर थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब और हिला दिया, थोड़ी देर में टेस्ट ट्यूब में मान लो इतने, फिर हिलाएंगे तो कहेंगे अब स्मेल करो अल्कोहल विनेगर, हिलाते जाएंगे बार बार स्मेल कराते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे हाँ भाई बदल रहा है, यानी और ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बताओ कि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, रह सकते हैं, तो इसलिए ये H2O इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और माइनस H2O हो जाएगा, और अभी भी KMnO4 इसमें डालना जारी रखो, ये बताओ। तो अब ये एक ये बॉन्ड खाली हुआ है, तो क्या इस पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अब जरा देखो CHH और C इसी पे डबल O लगा दो, और ये H अभी भी बना हुआ है, बोलो बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद आप क्या करिए, इसके आगे अभी KMnO4 और आपने डाल दिया है, सो व्हाट विल हैपन, एक सी पे दो OH नहीं हो सकते, तो फिर H2O निकल जाता है, दो हाइड्रोक्सी नहीं लग सकते, वो भी टूट जाता है। अब ये देखो तो CH3 है, और ये देखो डबल बॉन्ड वो था, और क्या दिखाया बताओ, एक एच था, उसी के आगे की कर रहा हूं, फिर KMnO4 और आ गया, तो फिर से O2 हो गया, इस पे लग जाएगा, तो तुम बता सकती हो साक्षी की क्या बन गया, That is OH, और ये डबल बॉन्ड हो, क्या CH3COH बन गया, ऐसे ना लिखो, वैसे करके मोड़ के लिख दो, है वही चीज लेकिन चलो मोड़ के लिख दो, तुम लोगों को इसकी आदत है, ऐसे लिखते हो ना तुम लोग, तो ऐसे लिख लो। तो अब इस KMnO4 की वजह से क्या OH, बोलो ये क्या बन गया, CH3COH, और ये क्या था बताओ, CH3CHO, ये क्या था यहाँ पे C2H5, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इथेनल बनता है, और इथेनल के ऑक्सीडेशन से दैट इज इथेनोइक एसिड बनता है, अभी तक तो यही समझा ना, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये हमारा अगला पॉइंट, ये कंबशन नहीं है, कंबशन में तो कंप्लीट बर्निंग है, CO2 बना, लेकिन अभी ये बनेगा, और हिलाते रहिए उस टेस्ट ट्यूब को, वो बन ही जाएगा। तो क्या बताया मैंने, बताइए कि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बने, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये आंशिक ऑक्सीडेशन, और उसके ऑक्सीडेशन से इथेनल, देखो CHO बना कि नहीं बना, और उसके ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड, और ऑक्सीडेशन अभी भी उसकी टेस्ट ट्यूब को आप चलाते रहिए, तो यहाँ पे भी यही काम कर देगा, ये देखो तो KMnO4 डाल दीजिए और O2, तो फिर बताओ क्या होगा यहाँ पे, दैट इज C, और एक OH यहाँ पर और आ जाएगा कि नहीं, और बाकी ये रहेगा, और फिर C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, फिर से O2 आएगा, तो एक OH यहाँ भी आ जाएगा,
फिर क्या दो OH रह पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में फिर एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के आउट हो जाने पे क्या बचेगा बताओ? आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O और एक H, और यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O और OH, समझ आ गई कि नहीं? वाटर निकल गया और फिर और आगे आइए तो इसमें एक O और आ जाएगा O2, तो C डबल बॉन्ड O और इस पर क्या OH आ गया, और इस C पे भी एक डबल बॉन्ड O है और एक क्या आ गया OH, ठीक है ये OH है और इस पर भी क्या है OH, तो धीरे धीरे ये OH है और यहाँ पर भी, अब अगर हम और करेंगे तो यहाँ से भी ये कट ऑफ हो जाएगा और अल्टीमेटली That becomes CO2. इसके आगे क्या ऑक्सीडेशन से देखो क्या होगा? That is, देख लो, ठीक है? So इसके और ऑक्सीडेशन से फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और जैसे H2O निकल जाएगा और एक वो एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो इस पे ये डबल बॉन्ड इसका तो टूट गया, तो ये दो बॉन्ड एक ओ इसने यूज कर लिया, उसने कहा कि ठीक है हम टूट रहे हैं तो यहीं पे इसने फोल्ड कर लिया कि नहीं, एक ओ यूज हुआ है, कितना यूज हुआ एक, क्योंकि H2O निकल गया, इसके पास नहीं था तो जो एक्स्ट्रा ओ डाला वो यहाँ आ गया, और इसके पास तो ओ है तो ये बॉन्ड मुड़कर यहाँ आ गया। तो तुम्हें क्या दिखाया गया, बहुत सारे H2O निकलते रहे रास्ते भर, लेकिन हमें इन सब से नहीं लेना देना है। मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से वास्तव में इससे एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है जो अभी किसी से रिएक्ट नहीं किया, तो वो तुरंत कहता है हमें कहाँ जगह दो, मेरी तो 10^-8 सेकेंड की लाइफ है, फटाफट कहीं जगह दो, वो जहां चाहता वहां घुस जाता है। इट इज डीकलराइजिंग एजेंट, जो नेसेंट ऑक्सीजन अभी अभी पैदा हुआ है लेकिन इसकी लाइफ 10^-8 सेकेंड। यही ब्लीचिंग पाउडर में भी था, वो खट से निकल जाता था। तुम्हें मम्मी कहती नहीं थी कि जैसे CaOCl क्या रहता था और CaCa यही तो होता था ना, तो दैट इज ये ऑक्सीजन अब निकल जाएगी यहाँ से जैसे ही कपड़े के कॉन्टेक्ट में CaCl निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर वही नेसेंट ऑक्सीजन है, बोलो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या बना ROH, ROH के ऑक्सीडेशन से क्या बना RCHO, बहुत अच्छा RCHO, फिर इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना RCOOH, बहुत अच्छा RCOOH, और फिर फाइनली उसके ऑक्सीडेशन से क्या बना दैट इज CO2 बन गया, बहुत सारे CO2 और वाटर, समझ में आ गई बात? तो ये एंड प्रोडक्ट है कि नहीं, और बाकी पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ये फाइनल ऑक्सीडेशन है। फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाए तो कम्बशन क्या, ये सब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक माइंड में तुम्हें समझाने के लिए कि इस तरीके से ये होता है। तो धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं? कंबशन का मतलब फिर उससे तुम और कुछ ना करो, गन्ने को ऐसा निचोड़ो कि घास फूस ही रह जाए अंतिम बूंद तक, उसकी टोटल एनर्जी निकाल लो। KMnO4 कुछ नहीं है, ये जो लाल दवा होती है कुएं में डाली जाती है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है। तो ये हम लोगों ने 9th में भी देखी, थोड़ी डाली थी फिर कलर आ गया था पानी में, फिर दूसरे में डाला था उसमें कलर, ये देखा था कि नहीं पानी में डाल करके कि ये घुल जाए, पोटेशियम परमैंगनेट सबके घर में होता है, पालक धोई जाती है या फिर डाल के दिखा दे आपको पता है कि नहीं। और यही चीज तुमको अल्कोहल स्मेल कराई थी, तो जब हमारे यहाँ बच्चों को कुछ वो हो जाता है स्नीजिंग ये सब होता है, तो अल्कोहल में ये डाल दिया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट और कफ सिरप बन जाता है। हाँ? वो अगली रिएक्शन है बुक की, कुछ नहीं शराब में ये डालो कफ सिरप बना के पी लो, इसीलिए कफ सिरप कहते हैं उसको पीने के बाद नशा आता है। तो लेकिन अभी वो तो अगली रिएक्शन है ना, हमारी पहली रिएक्शन देख कितनी मात्रा में डाल, ये ओ बात समझ में आ गई, ये ओ KMnO4 से निकलेगा नेसेंट ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं अभी अभी पैदा हुआ नवजात ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। मेरा कहने का मतलब है कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज कंबशन तो आप क्या कहोगे, आप बताओ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड कंबशन, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, एंड इट सेंट प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड, इतना ही बोलना है।
अब बाकी ये तुम अपनी रेफरेंस के लिए याद रखो, कहीं जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो आगे बता दें, बस इस तरीके से। नाउ अगली बात पे आइए। सो कुछ चीजें पूछी गई हैं, व्हाई डू सब्सटेंस, ये येलो मार्जिन, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम। सो जैसे कि हम देखते हैं जैसे कोयला जलता है तो कोयले में शुरू शुरू में फ्लेम आता है लेकिन बाद में फ्लेम नहीं आता है, ऐसा क्यों होता होगा सौम्या? और जबकि जो कैंडल जलती है वो फ्लेम के साथ जलती है, इन दोनों में क्या फर्क है? जैसा कि सौम्या ने बताया कि दैट इज जब भी कोयला जलेगा सो देयर आर सम इनफ्लेमेबल वेपर्स आर रिलीज, कुछ ऐसी वेपर्स रिलीज होंगी कोयले के अंदर से, कुछ ऐसी गैसेस निकलेंगी जैसे बेंजीन के वेपर निकलेंगे, वो जल सकते हैं, सो दे बर्न इन एयर, वो इनफ्लेमेबल गैसेस है, ऐसी गैसेस जैसे वैक्स जला तो वैक्स जलने पर इट रिलीजेस इनफ्लेमेबल गैसेस, कैसी गैसेस होंगी? इनफ्लेमेबल गैसेस विच बर्न इन एयर सो इट प्रोड्यूसेस फ्लेम। समझ में आया? सो कोल इनिशियली रिलीजेस सम इनफ्लेमेबल, तो सम फ्यूल, कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं बताइए, रिलीजेस इन कुछ फ्लेम के साथ जलते हैं, तो आप क्या लिखें बताइए कि नाउ आप ये देखो जैसे ब्यूटेन है, एलपीजी के बारे में बताया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम है, तो जब वो गैस निकलेगी तो क्या उससे जो वेपर निकलने वो सब इनफ्लेमेबल है? क्या ब्यूटेन ज्वलनशील पदार्थ है, जल सकता है? तो गैस में से जो निकल रहा है फ्लेम या जो गैस निकल रही है, सो इफ द गैस रिलीज्ड बाई कार्बन कंपाउंड्स ड्यूरिंग बर्निंग इज इनफ्लेमेबल, देन सच कंपाउंड्स बर्न विद फ्लेम, इफ द गैसेस रिलीज्ड या वेपर रिलीज्ड आर नॉन इनफ्लेमेबल, वो जल नहीं सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे कोयला बाद में जब जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं आती है, अंगीठी देखी है जिसमें से तुमको तंदूर में से रोटी निकालता है, क्या बाद में भी धुआं उठने लगता? लेकिन जब शुरू शुरू में देखना उसमें पहले तो धुआं उठेगा, जब धुआं हट जाएगा तो फ्लेम भी आएगा, कोयले में से कुछ क्या आएगा, वो फ्लेम भी फिर चला जाएगा, फिर आग आग दिखेगी, ऐसा होता है कि नहीं? अंगार जैसे शादी बरात में रहता है तो फिर उसमें से फिर धुआं नहीं आता, तो शुरू शुरू में उसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकली हैं जो कैसी थी बताओ, इनफ्लेमेबल, कैसी थी? सो इफ कार्बन कंपाउंड्स, दोस कार्बन कंपाउंड विच रिलीज इनफ्लेमेबल वेपर्स विच रिलीज बर्न विद फ्लेम, ठीक है, एंड दोस कार्बन कंपाउंड्स विच ऑन बर्निंग डू नॉट रिलीज इनफ्लेमेबल वेपर, जिसमें से इनफ्लेमेबल कोई चीज होती, कहते नहीं है कि गाड़ी में ट्रेन में इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ले जाना मना है, ना माचिस ना दिया सलाई ना केरोसिन ना घास ले, कहा जाता है कि नहीं तुम इस प्रकार की चीजें ले जाओगे तो 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद होती है, तो इसलिए इनफ्लेमेबल वो जो चीज ज्वलनशील, तो अगर ऐसी गैसेस ज्वलनशील है तो लिखें इस चीज को, लिखें तब समझ में आए, देखो दैट इज नाउ सो व्हेन कार्बन कंपाउंड्स, देखो कार्बन कंपाउंड्स बर्न देन दे रिलीज वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? दैट इज वेपराइजेबल, जो वेपराइज हो जाए, कोई भी कार्बन कंपाउंड जलेगा तो उसमें से वोलाटाइल गैसेस निकलेंगी, जो वेपर्स ऐसी गैसेस निकलेंगी, देन इट रिलीजेस वोलाटाइल गैसेस, बुक में लिखा हुआ है वोलाटाइल, तो इट रिलीजेस वोलाटाइल गैसेस
वेपर्स जो निकली। अच्छा अब जरा देखो, मान लो मैंने एक हाइड्रोकार्बन को ही जलाया, तुम लोगों को पता होगा ना कि C8H16 यही पेट्रोल है, बताया था शुरू में। ऑक्टेन को क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, ये थोड़ा आगे जलेगा तो क्या एल्कोहल बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का बताओ बर्निंग टेम्परेचर कितना है? बॉइलिंग टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस कितना है? और आग तो बहुत है, मान लो तुमने ये जला दिया पेट्रोल, तो क्या उसमें क्या 78 डिग्री सेल्सियस होगा? 1000 डिग्री होगी। तो ऐसे में एल्कोहल निकलने लगा। क्या निकलने लगा? अब क्या एल्कोहल ज्वलनशील है तो वो फिर क्या फ्लेम नहीं देगा? तो कहीं पेट्रोल की आग लगी होगी तो फ्लेम आएगा। क्यों आएगा? हाइड्रोकार्बन की वजह से नहीं, उसने एक ऐसी चीज निकाल ली जिसके वेपर्स हवा में उड़ रहे हैं। तो वेपर्स हवा में उड़ रहे हैं तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जैसे एल्कोहल, अभी हमने आपको बताया कि इसमें फ्लेम निकलता है अगर एल्कोहल जलाया जाए, तो ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस, इट रिलीजेस वोलाटाइल सब्सटेंस विच आर इनफ्लेमेबल, वो कुछ ना कुछ वेपर्स निकाल रहे हैं। जब कार्बन कंपाउंड जलेगा तो क्या निकालेगा बताइए? That it releases vapors. सीधा लिखो, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो क्या क्या करेगा? It releases vapors which are inflammable. समझ में आ गई बात? तो ऐसे लिखो, so burns, then they release vapors. Simply भी लिख सकते हो, बुक का मतलब है। जरूरी है क्या कि अब तक कुछ लिक्विड निकले तो? लिक्विड तो उसी के अंदर है, फ्लेम के लिए लिक्विड नहीं चाहिए। फ्लेम के लिए तो वो गैसेस चाहिए जो हवा में आर्बिट्रेरीली यहाँ वहां घूम रही है, उसको फ्लेम कहते हैं। और लिक्विड तो नीचे जलता रहेगा, वहां क्या फ्लेम है? हमको फ्लेम चाहिए। कह रहा क्यों फ्लेम देते हैं? कोई चीज ज्वाला के साथ क्यों जलती है? तो ज्वाला के लिए क्या चाहिए बताइए? इट रिलीजेस वेपर्स, जैसे हाइड्रोजन को, ये वॉटर को बताओ अर्थ पे क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। और बताओ जुपिटर पे क्या कहते हैं? ये बहुत से कहते हैं वो नहीं, क्योंकि वहां उसकी लिक्विड फॉर्म नहीं है, वहां वो गैस में है, तो वहां गैस कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने आज कही है। बोल रहे यहाँ नाइट्रोजन को गैस बोलते हैं क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की नदी नहीं बह रही है। तो जहां लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में कोई चीज होती तभी उसे वेपर कहने की सुविधा। जुपिटर में पानी है क्या? ये देखो, मतलब वो लिक्विड से वेपर बन गया। इन्होंने बोल दिया सर कि जुपिटर में पानी नहीं है इसीलिए गैस कहते हैं। अब बहुत बड़ी बात है, बता दिया ना उन्होंने कि जहां पर कोई गैस अपने लिक्विड फॉर्म के साथ प्रोड्यूस रहेगी तभी वेपर कहलाने का उसको सौभाग्य है। तो मैं वेपर कह रहा हूं, यानी वो क्या होगी बताइए? इट, अभी तक वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में थी। जैसे आयोडीन, देखो आयोडीन के लिए नहीं कहोगे कि ये सब्लिमेट होकर के गैस बनाता है, बोल दिया तो काट देगा टीचर, टेंथ का टीचर बहुत समझदार है। इट रिलीजेस वेपर्स, तो जो गैस अपने सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के साथ मौजूद है तब उसे वेपर कहा जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कोई दो फॉर्म में हो, गैस के साथ और कोई फॉर्म में हो तो वो सब्लाइम होके वेपर बनाएगी, और वाटर से तभी वेपर। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि कोई भी चीज है, तुम्हारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थी, वो अंडर प्रेशर लिक्विड थी, उसने किस में बदल दिया? वेपर में। वेपर बदलने के बाद तभी तो तुम्हारी गैस पे फ्लेम आ रही है। वो क्या है? जब वेपर में बदली तो हवा में चली, एंड दोज वेपर्स आर, इतना ही देखना। तो इट रिलीजेस वेपर, कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस वेपर्स, इफ वेपर्स आर इनफ्लेमेबल देन दे विल प्रोड्यूस फ्लेम। क्या चीज बताओ? नहीं, जब कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में बदलता है तब उसे वेपर में, ऐसा नहीं है वो गैस ही है, लेकिन वो लिक्विड से बना है या सॉलिड से बना है तब वेपर में। इससे ये पहचान होती है कि वो उसके दूसरे फॉर्म जो भी है यहाँ पर मौजूद है, अदर फेजेस। समझ आई? अब ये देखो यहाँ तक लिख लिया, इफ वेपर्स आर इनफ्लेमेबल दे विल प्रोड्यूस फ्लेम, इफ इट इज इन नॉन इनफ्लेमेबल देन दे विल नॉट। इतना ही आंसर। शुरुआत में कुछ ऐसे जैसे बेंजीन है कुछ है, बाद में नहीं निकलेगी, बाद में उसमें थोड़ा हाइड्रोजन भी है कोयले में, तो वो हाइड्रोकार्बन बनाता है, वो हाइड्रोकार्बन की वेपर, बाद में कार्बन ही कार्बन बच जाता है फिर उसे जलना, तो हाइड्रोकार्बन की वेपर है, फिर उससे अल्कोहल या दूसरी चीजें बनेंगी। क्या तुम कोयले में उम्मीद करते हो कि हाइड्रोजन होगा? लेकिन कुछ मात्रा में रहता है, हर चीज कोक नहीं होती। कोक जलाओगे तो धुआं जरा सा भी नहीं होता, कोक प्योर फॉर्म में दिखाई देगी नहीं,
तो कोक इसीलिए लकड़ी के कोयले को जला के कोक बनाया जाता है। फिर लकड़ी कहते हैं लकड़ी का कोयला लाओ, शादी बारात में हमको वो बनाना है, चपाती या जो भी उसमें ठीक है तो नान बनाना है, तो वहां पे धुआं नहीं रहता। तो ऐसी चीज जिसमें हाइड्रोजन ही हटा दो, लेकिन ऐसे नॉर्मल तो इम्प्योर फॉर्म है ना, कोल और कोई इलेक्ट्रोड थोड़ी है। तो क्या लिखते हैं बताइए, इफ वेपर्स आर इनफ्लेमेबल देन दे बर्न इन एयर एंड प्रोड्यूस फ्लेम। देखो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, वाटर से नहीं, मतलब हाइड्रोजन होगा तो ये सब बनाएगा और ये हवा में चलेंगे। सो देन अब जरा देखो, जो वेपर्स रिलीज हो रही हैं, अगर वो इनफ्लेमेबल है, वैक्स है, तो वैक्स में जो भी निकलेगा वो क्या होगा बताइए, दैट इज C38 वैक्स होता है। C38 का डबल कर दो, 76, 78 and 70, ये जो चीज है दैट इज वैक्स है, पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो अलग अलग है, लेकिन हम क्या लिखें अब आगे, देन दे रिलीज वेपर, इफ वेपर्स आर इनफ्लेमेबल, इफ वेपर्स आर इनफ्लेमेबल तो क्या होगा, देन दे, नाम ही इसमें फ्लेम है, बर्न इन एयर एंड प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। जैसे कैंडल ऑन बर्निंग रिलीजेस फ्लेम, एज कैंडल में ये फार्मूला है कैंडल का, पैराफिन वैक्स का, इसी की बनती कैंडल C38, एज इट रिलीजेस, डबल करके दो जोड़ दिया, वही फार्मूला है ना, 76 है तो दो जोड़ दिया ना, तो इट रिलीजेस इनफ्लेमेबल गैस। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इस यहां तक बात हो गई, एक क्वेश्चन इसी में जुड़ा है, पूछा जाएगा कोल रिलीजेस फ्लेम इनिशियली बट फाइनली डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, उसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो क्या है, सो कोल ऑन बर्निंग सो दैट इज बर्निंग कोल initially produces flame as, क्यों initially produce flame करता है, as some inflammable vapors are released by it, ठीक है, as some inflammable जो उसमें हाइड्रोजन से संबंधित है, वरना तो कोयला कार्बन ही है, इनफ्लेमेबल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज नो सच गैस इज रिलीज्ड एंड इट बर्न्स विदाउट, कोल करो बर्निंग कोल, सो प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस्ड बाय इट आफ्टर सम टाइम देयर इज नो सच गैस रिलीज्ड सो इट बर्न्स विदाउट फ्लेम। आगे की बात कही गई है, नेसेंट नवजात, अभी अभी पैदा हुई है, इसकी लाइफ टाइम -8 सेकंड है, नवजात शिशु होता है बस तुरंत पैदा हुई है। ओके
जात का मतलब पैदा होना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाई ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन इज एडेड टू एसिटिलीन ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। व्हाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज एडेड टू एसिटिलीन ठीक है फॉर फ्यूल यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। अब जल्दी देखिए, एसिटिलीन दैट इज इथाइन, इथाइन है, इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइन, एज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तुम्हें ये बात मालूम है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये जो इस तरीके के तुमने देखा होगा ना, ये ऐसे वेल्डिंग के बहुत सारे सिलेंडर रखे रहते हैं जो लोग वेल्डिंग करते हैं, जहां पे वेल्डिंग होगी उसी में गैस भरी ये खरीद लाते हैं ठीक है, 500 रुपए का एक सिलेंडर आता है, उसी से वेल्डिंग करते हैं, जगह जगह जहां भी हो रहा इसी से होता है ठीक है कि नहीं सिलेंडर। तो इसमें C2H2 है, लेकिन C2H2 कई बार ऐसा हुआ है कि ये जब जलाएगा या कोई भी दो प्लेट को जोड़नी है तुमको, तो जहां पे ये वेल्डिंग करेगा तो वहां की सरफेस में अनबर्न्ड कार्बन भी छोड़ देगा, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से शूटी धुएंदार काली फ्लेम देगा, और जब कार्बन जहां हो जाएगा तो क्या वहां पर एक अच्छा टेम्परेचर राइज होगा, वो तो येलो शूटी फ्लेम दे देगा, और येलो तो एक अच्छा हीट नहीं है, और ब्लू फ्लेम हमेशा तेज होती है, और येलो अगर गैस में आने लगे तो क्या तेज मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से इट प्रोड्यूस्ड, इट रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एट द सरफेस गेटिंग वेल्डेड, एंड ऑल्सो डज नॉट गिव द गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नीडेड फॉर वेल्डिंग, इग्निशन टेम्परेचर वो भी नहीं दे पाता है, हेंस ऑक्सीजन इज एडेड इन इट, इसमें इसे एसिटिलीन टॉर्च गैस कहा जाता है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, ऑक्सी एसिटाइलीन टॉर्च गैस, ये चीज इस वर्ड से भी आ सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाने लगी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम है, एटमॉस्फेयर में 21% है, तो उतनी नहीं मिल पाती ना ड्यूरिंग बर्निंग, तो इसमें हम एडिशनली देते हैं, जाओ जा रहे हो तो क्या होता है, जितने भी चीजें हैं जैसे आप कहते हो कि यहाँ RDX मिलता है कि नहीं, उसको साथ में ऑक्सीजन दी जाती, जो चार तुम्हें कंपाउंड बताए थे, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, नाइट्रिक एसिड, ये सब डाल के भेजो, अपने आप बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तुमने इतना ऑक्सीजन दे दिया कि उसको वातावरण से लेनी ही नहीं है, उसमें ऑक्सीजन भी डाल दो, तो इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन भर दी, अब बताओ जहां जलेगी तो बिंदास जलेगी, उसको बाहर से लेनी नहीं, बाहर तो 21% है, तो क्या धुआं उठेगा काला, क्या कोई अनबर्न्ड पार्टिकल जाएगा। तो इस तरीके से ये 1996 के बाद ये हुआ है कि इस तरीके की ही गैस भी बेची जाएगी जो भी है, और उसमें ऑक्सीजन मिला के बेची जाएगी ठीक है कि नहीं। लिखो, तो हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन विच रिलीजेस, हमने आपको बताया था कि नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिव्स येलो सूटी फ्लेम, तो ये अनसैचुरेटेड ही तो हाइड्रोकार्बन है C2H2। और अगर ये देखा जाए ब्यूटेन जो तुम्हारे घर में जल रही है, इसमें कितना अच्छा है, इसमें लेस परसेंटेज है कार्बन की, हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन कम, और इसमें 50-50% नहीं, तो ये अच्छे से जलती है, कभी धुआं उठता है तुम्हारे बिल्कुल नीचे सही रहता है, ये जलेगी या इससे जला तो धुआं उठेगा, तो हाई परसेंटेज ऑफ, सो इट रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल ठीक है एट सरफेस गेटिंग वेल्डेड ऑल्सो ड्यू टू improper burning या incomplete burning, we could not gain the necessary ignition temperature. Also, due to incomplete burning, we
necessary. We could not get necessary ignition temperature. इसलिए क्या किया जाए? So O2 is added. O2 ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, O2 is इसका फॉर्मूला बदलता है C2H2 from added to C2H3 for its complete burning. इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है. इस ये ना सोचो ऑक्सी एसिटिन बस एक मिक्सचर है C2H2 plus O2 वो से भर दिया गया. कोई फार्मूला थोड़ी, वो कोई रिएक्शन थोड़ी करेगा. जब जलाओगे तो वो बाहर से ऑक्सीजन ले के तुमने भेजा है देखे, है ना? ये तो बात हो गई, इसको भी हम लोगों ने कर लिया. अब अगली बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. Also, मान लो अगर वो ठीक से जला ना कोई चीज तो उसकी वजह से येलो हीट आएगी, और येलो जो पार्ट होता है किसी भी हीट का वो एक लेस टेम्परेचर वाला पार्ट होता है. ब्लू पार्ट सबसे कैसा होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर उसकी 3000 इनकंडीशन से येलो की 1600 ही रहती है डिग्री सेल्सियस. समझ में आ गई बात? तो हमें टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा तो क्या वो जो वेल्ड होने वो हीट हॉट हो पाएंगे, हॉट मेल्टेड हो पाएंगे? तो जब मेल्ट ही नहीं हो पाएंगे और कार्बन भी डिपॉजिट हो रहा तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए हमने ऑक्सीजन डाल दिया है तो उसकी प्रॉपर बर्निंग हो जाएगी. ठीक है, कार्बन कोयला मेटल पे की क्या है, कार्बन की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है? कार्बन है जैसे कहीं पर भी दो मेटल के बीच में कार्बन है तो कोयले की क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो कोयले की जगह टूट जाएगा. मेटल मेटल के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए ना, बल्कि उसको एचिंग से उस रबिंग से साफ करते हैं, उसमें और कोयला लगा दो. नॉन मेटल, नॉन मेटल पे क्या भरोसा, उसकी कोई टेंशन. कोयले कपल बनाओ देखो चलो. यहाँ पे ना कार्बन पार्टिकल. अब देखिए हाउ व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, हाउ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड. द डेड रिमेन of remote past animals, जो बहुत पहले जीवित थे, remote past organism like plant and animal. Plants भी तो एक organism है और animals, तो इनका जो रिमेन है उसको क्या कहते हैं? फॉसिल का मतलब ही है कि जीवाश्म. तो जीवाश्म ईंधन उसे क्या कहते हैं? फॉसिल, जीवों का जो अंश. रिमोट मतलब एक है रिसेंट पास्ट, जो तुमने कल खाना खाया और तुमसे पूछा जाए जो तुम्हारे 5000 साल पहले वाली जनरेशन है उसने क्या खाया, वो रिमोट पास्ट. और कल रिसेंट पास्ट हम लोग दबे. एक होता है कि इस कमरे का 8-10 हिस्सा उतने बड़े बड़े दबे, तो उसमें बड़ा सा कुआं मिलेगा तेल का, हम लोग दबेंगे तो पिचकारी मिलेगी, मतलब सिरिंज में भर के लाए. तुम्हारा कितना वॉल्यूम है, कितना पेट्रोल बना पाओगी? एक डायनासोर दबा है और कहा तुम दब रही हो. क्या एक पौधा दब गया अब इससे कोल बनेगा, तो पौधों से कितना कोल बना लोगे? अगर हम सब साथ
चलो ये देखिए, डेड रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो डेड रिमेन्स इज कॉल्ड फॉसिल, उसे क्या कहेंगे फॉसिल, एज इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, सो इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है तो इसे फॉसिल फ्यूल कहेंगे। अब जरा देखिए कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स पहले, एगो सम एस्टेरॉइड हैज अटैक्ड, ये कोलाइडेड एंड कोलाइडेड विद अर्थ, तो जो यहां रहने वाले डायनासोर हैं जब इस पे हिट हुआ तो कई मीटर ऊपर उछल गए और उछल उछल के गिरे और सब मर गए। हाँ, मतलब यहाँ के जैसे हिंदुस्तान से उछले ईरान में तो उनकी जान बच पाएगी ऐसा। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो सब कोलैप्स कर गए और उन्होंने बड़े बड़े जंगलों को ढक दिया। अब फिर उसके बाद ड्यू टू हीट एंड प्रेशर 300 मिलियन ईयर्स, तो 300 के आगे 10 टू द पावर 6 और लगाओ कितना होता है, मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दिस फॉरेस्ट रिमेन अनडिकम्पोज्ड, तो वो क्या बन गया बताइए, कोल बन गए। और ये जो डायनासोर थे ये इधर उधर गिरे और रिवर के साथ सी बेड में कहीं एक साथ गिरते चले गए, क्योंकि वो ग्रुप में थे, जहां भी उछले होंगे तो उनकी ट्रेजेक्ट्री में कहीं पे इकट्ठे हो गए बहुत सारे डायनासोर, और फिर उनके ऊपर बहुत सारा मिट्टी जमा हो गया, सिल्ट जमा हो गया, जो सिल्ट था वो रॉक बन गया, और उसके नीचे वो जो लोग थे वो क्या बन गए, वो बन गए ऑयल, तो रॉक ऑयल यानी पेट्रोलियम, पेट्रो रॉक को ही तो कहते हैं, कि पत्थर को खोद के जो तेल निकाला जाए तो पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस ओलियम। अब देखो अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो सम एस्टेरॉइड उसने अटैक किया विद अर्थ, ड्यू टू दिस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट गेट बरीड अंडरग्राउंड, डेंस फॉरेस्ट गेट buried underground and mammoth dinosaur, बड़े बड़े डायनासोर वो कहां पे हो गए, ठीक है, get buried in seabed, get buried, वो किसमें दफन हो गए, इन सी बेड एंड कवर्ड बाई सिल्ट, और किसके द्वारा ढक लिए गए, एंड कवर्ड बाई सिल्ट, नाउ तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर These remain undecomposed. ये decompose नहीं हो पाए, इनको बैक्टीरिया खा नहीं पाया, ठीक है, ड्यू टू कवर्ड बाई सिल्ट, तो जो सिल्ट है अल्टीमेटली मतलब अगर सृष्टि को दबा के उसके ऊपर सिल्ट डाल दिया तो उसे अल्टीमेटली जो सिल्ट था वो अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर वो भी बन जाएगी। हाँ देखो अल्टीमेटली सिल्ट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इंटू रॉक, ये देखो ये रॉक है और रॉक के नीचे ये सब क्या है, सी बेड में ये तेल है और इसके ऊपर क्या है, क्या सीएनजी है, तो यहाँ ड्रिलिंग करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सीएनजी, तो फिर वहां बगल में एक रिफाइनिंग स्टेशन भी होगा, उसको रिफाइन भी करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले सीएनजी निकलेगा, मीथेन गैस, और फॉलोड बाई क्रूड ऑयल,
क्रूड ऑयल का मतलब है जैसे किसी का सड़ा हुआ शरीर, इतना ही बदबू देता है क्रूड ऑयल, लगेगा कि हाँ आदमी ही मरा है। क्रूड ऑयल का मतलब आदमी के मरी हुई बॉडी तेल बन जाए और कई सालों बाद निकाला जाए ऐसी बदबू आएगी, और फिर इसकी रिफाइनिंग की जाएगी तो सब मीथेन इथेन ब्यूटेन सारे कार्बन कंपाउंड इसी से मिलते। समझ में आ गई बात? तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिफाइनिंग स्टेशन है, हम लोग इससे काफी पैसा कमाते हैं। जरा देखिए, सिल्ट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू रॉक एंड जो डेड रिमेन्स ऑफ डायनासोर इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज क्रूड ऑयल एंड जहां पर भी जो गल्फ कंट्रीज है वहां पहले सी थी। तो हम ये जानते हैं कि जो एक गोंडवाना लैंड है कहीं कहीं पे सी इधर उधर हुआ है, तो जहां पर सबसे पहले सी रहा होगा फिर वो सूख गया कहीं वहीं पे, तो डेड सी भी है वहां भी साल कितना ट्रक 50,000 ट्रक डेली निकलता है इतना साल है, तो वहीं पर सब पहले सी रहा होगा। तो बीच का सी कौन सा है जो यूरेशिया और इसके बीच में है, तो वो पूरा देखने पे वीडियो में दिखाई पड़ता है कि कैसे डायनासोर उछल रहे हैं और कैसे गिर रहे हैं। अब ये देखो दैट इज सिल्ट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू रॉक मैमथ, बहुत विशाल डायनासोर, और कन्वर्टेड इनटू रॉक एंड दैट रिमेन्स ऑफ डायनासोर, ठीक है, दैट कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल, उसे किसमें बदल गया, क्रूड ऑयल। और इसी वजह से चूंकि बाहर रॉक है और अंदर ऑयल, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये रॉक और ये ऑयल, सो इसलिए ये क्रूड ऑयल बदल गया एंड कॉल्ड पेट्रोप्लसोलियम एंड कॉल्ड पेट्रोलियम, बात नहीं करो, दैट इज पेट्रोप्लसोलियम, दैट इज रॉक ऑयल, रॉक को कोल्ड के निकाला जाता है इसलिए पेट्रोलियम कहते हैं। व्हाइल द डेंस फॉरेस्ट अनडिकम्पोज्ड डेंस फॉरेस्ट हैड कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल अनडिकम्पोज्ड बरीड डेड फॉरेस्ट, जो बरीड फॉरेस्ट थे ना फॉरेस्ट, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ये सब हीट एंड प्रेशर की वजह से हुआ है, हीट एंड प्रेशर, get converted into, तो अगर ये आएगा तो इसमें ऐसे, बाकी इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है धीरे धीरे अलग अलग कॉलम पे, मीथेन इथेन ऐसे सब चीजें मिलती हैं, वो आगे पढ़ाया जाएगा। नाउ अब अगली बारी में आते हैं, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है जिसका नाम कंबशन था, अब हम ऑक्सीडेशन पर आते हैं। सब गल जाएगा, सब फॉसिल जमीन में मिलेंगे, मान लो सी है तो सी में तो नहीं मिलेगा, अगर होगा भी तो नीचे को सारी हड्डियों, तेल ऊपर आ गया होगी तो ड्रिल करके करा गया है, होगा अगर मान लो चीजें अंडिकम, लेकिन वो तो बोन नीचे रह गई होगी, कैल्शियम भारी होता है ना थोड़ा। फॉसिल तो कोई भी चीज है जो दबी रह गई पत्थरों में, दबी रह गई तो वो फॉसिल है। जैसे ये देखो कि मान लो बहुत सारे यहाँ पे जैसलमेर में दबा रह गया, तो ये एमीबॉइड्स हैं, ये देखो ये पुराने समय की चींटी, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे कितनी मोटी होती थी, ये देखो पुराने समय, अभी भी तुम देखो ज्यादा पीछे की बातें करो, ये जो जोधाबाई का घाघरा है ना वो यहाँ तक है हमारे, अब पूरा अंदर आ जाए जब भी ऊंचा, और 130 किलो का राणा प्रताप का चोंगा, हम लोग 130 किलो का कपड़ा पहन पाए, इसमें ऑफिस चाहिए।
क्या कहते हैं एमिनोइड्स हैं, वो जो हेरिडिटी एवोल्यूशन एवोल्यूशन तो हट गया है। ये देखो चींटी देख रही ना, अभी और फॉसिल फॉसिल समझ में आ गया ना आपको कि कोई भी जो डेड रिमेन हो रहा ये करीब करीब 5000 साल पहले का एमिनोइड्स है जो तुम वो, और ये भी एक फॉसिल है। ये सर ये कितने का था, सर ये कितने का था, ये चाहिए मुझे। कोई पुरानी स्पीसीज है जमीन के अंदर दब गया, तो जमीन जब खोदी जाती है तब है वो का बहुत पहले का होगा। ओके नाउ चलो डायनासोर अभी देख लेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उछलना कूदना क्या, उछल गई तो गिरा अब देखो ऑक्सीडेशन अगली बार क्या है अभी दिखा देंगे, वीडियो खोलेंगे तो दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे। ओके ओके ध्यान दीजिए, दैट इज कार्बन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाँ एनी कंपाउंड, बात नहीं करो, एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या तुमने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ी थी कि अल्कोहल इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज जाते हैं, अभी दिखाया था ना करा गए, तो आप इसी तरीके से यहाँ अल्कोहल को ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। देख लीजिए CH3
और CH2OH लिखा है, तो इसी में से कुछ हाइड्रोजन निकल जाए, कुछ ऑक्सीजन बढ़ जाए, तो दोनों ही काम हो रहे हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो जाए, इसके लिए आप क्या करिए, एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट, या ये न लेना चाहें तो दैट इज SCD5 K2Cr2O7 वहां पर रखा होगा, दैट इज किस कलर का होगा, ये रखता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो तो हमने आपको दिखा दिया पर्पल कलर का होता है, और ये क्या बताइए, K2Cr2 पोटेशियम भी है और क्रोमेट होता है ना, Cr2O7 क्रोमेट आए, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये K2Cr2O7। अगर इसको इथेनॉल में डाल दो विनेगर बना देगा, एक बोतल शराब है ना, बना दिखा देंगे पैसे आप दे। और दो ड्रॉप नींबू भी डाल देना, एसिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये K2Cr2O7 और KMnO4 तो अभी दिखाया, ये पर्पल कलर का ही है। अब देखो ये ऑक्सीडाइज इसमें साथ साथ हो रहा है, तो किसी चीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब देखो आपने, ठीक है बताओ इथेनॉल में क्या दो चीज मिलाई है, उधर मत देखो, पोटेशियम परमैंगनेट और वो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा था, एल्केलाइन क्षारीय बेसिक, एल्केन और एल्केलाइन अलग अलग चीज था, एल्केलाइन अब पढ़ाया था कि नहीं, एसिड बेसिक एंड, या फिर क्या मिलाया है, K2Cr2O7 उसका क्या नाम है, एसिडिफाइड, उसका नाम बताइए, पोटेशियम क्रोम, तुम ध्यान नहीं देती हो, आप बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, और ऊपर वाले का KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट। सो इफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज एडेड टू इथेनॉल, देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो गए, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या अगर मैं COOH करूं तो क्या इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है और कुछ हाइड्रोजन कम भी हो गए, दो हाइड्रोजन हट गए और एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी, दोनों तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सो इफ इसको लिखा कैसे जाएगा, इफ SCD5 कंबशन में पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन उसी के में ना हो रहा, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जो आपने हमने बनाया था ना, हाँ। उसी में किसी के बीच के कोई भी दो बीच का कोई सेक्शन ले लो, अच्छा वही वो चीज है, लेकिन CO2 तक अगर कोई चीज पहुंच रही तो फिर उसको हम चाहे आप यहाँ से भी CO2 तक पहुंचोगे तो उसे फिर आप कंबशन ही बोलना, क्योंकि एंड प्रोडक्ट CO2 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है, इफ एल्कलाइन, आप बोलिए, मतलब कोई भी चीज अगर CO2 बना दे तो कह दो अरे ये तो कंबशन हो गई, ये दहन हो गया, बेकार कहते नहीं है। तो इफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, That is Cr2O7 or 2-, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, और बताओ MnO4-, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन। तो इसी में तो पोटेशियम लगा दिया, देखो एक लगाया कि नहीं के, और इसमें दो के लगाए, तो पोटेशियम परमैंगनेट और ये K2, ठीक है। तो ऐसे इस डाइक्रोमेट इस, ये दोनों चीज क्या कर दी जाए, एडेड, तो क्या होगा, देन किसमें ऐड किया जाए, एडेड टू इथेनॉल, देन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड,
get oxidized into, ठीक है, दो O लगते हैं, एक O H2O बनाने में लगेगा, एक O इसके साथ आ जाएगा, मतलब आप ये समझ लो कि 2O है, एक O चला जाएगा H2O, H2 इसका वो प्रोडक्ट नहीं है जो दूसरा वाला, और ना इसे आप बैलेंस करने की कोशिश करना करोगे तो ये चीज है, वैसे H2 निकल रहा है कि नहीं, देख लो H2 एक इसमें से कम हो रहा है कि नहीं, अब नहीं यहाँ नहीं है H2, तो H2O बन जाएगा और एक O इसके साथ आ जाएगा, तो मैं ये नहीं दिखाता H2O भी निकलता जा रहा है जब पूरा वो दिखा रहे थे, तो एक O का जोड़ना और बीच में जब दो OH होते तो निकल जाते थे तो H2O बनता है, समझ आ गई, अगर वो यहाँ लिखना तो फिर 2O यहाँ भी लिख देना, फिर यहाँ नहीं लिखना, फिर क्या लिखोगे, बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ऐसा होने से अब तुम्हारी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, पहले अनबैलेंस, तो अब गेट ऑक्सीडाइज इनटू इथेनॉल एसिड, ईशान यहां पर KMnO4 क्या है, करेक्ट, सो हियर KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा बुक में लिखा है, हियर KMnO4 और K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग, तो इससे इसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग पूछ ही जाती है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा, तो इसको इथेनॉल में, इतना सेंटेंस अभिषेक बोल के दिखाओ, इफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अंशिका बताओ, इफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाई एसिडिफाइड, हां एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर एडेड इनटू इथेनॉल देन इट ऑक्सीडाइज इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड एंड हियर पोटेशियम पर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड तीसरी चीज देखो, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं सच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड्स, सच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जैसे कि इन सच रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्या चीज होती होगी, H2Cl2H2O ये सब जुड़ सकता है, Br2 भी जुड़ सकता है, HCl एड टू दैट इज कार्बन कंपाउंड्स having double or triple bond, double या फिर triple bond हो, देखो मान लो तुम CH2 double bond CH2 है जो कि ethene है, अब ethene में मैंने दो chlorine लगा दी, तो chlorine
क्या करेगी, क्लोरीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। अगर मान लो दोनों ने बोला कि हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहे हैं, तो इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो इनके बीच बॉन्ड बना होगा। ये तो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक एक दोनों ले लें और फिर क्या करें, इसके साथ बॉन्ड बना दें, और इससे भी कहें कि तुम लोग भी अलग अलग हो जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रखो, क्यों बॉन्ड बना रहे, हमारे साथ बनाओ, हम बहुत अच्छे हैं, हम येलो कलर की गैस है, उसके साथ तुम बना रहे हो। तो फिर दोनों ने अपने अपने पास रख लिया, तो बोलो वो डबल बॉन्ड टूट के क्या इनके साथ बॉन्ड हो जाए, उसको तो अपना वैलेंसी पूरा करना है, कह रहा है ये कार्बन ठीक है, दो दो हाइड्रोजन से बना लिए, एक इससे बना लिए, चौथा इससे ना बना लिए, तुमसे बना लेंगे, तो ये चीज इससे जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ गया, तो क्या कुछ निकला कि सिर्फ जुड़ा ही जुड़ा है, तो इस चीज को एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, CH2Cl, और यहां भी क्या बन जाएगा CH2, दोनों तरफ ClCl जुड़ गया कि नहीं, बोलो बात समझ आ गई। तो Cl2 का जुड़ना कहलाता है क्लोरीनेशन, क्या कहलाएगा, अगर ब्रोमीन जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजिनेशन, वाटर जुड़ जाए, हाइड्रेशन, ठीक है, जरा इन सब चीजों को लिखो, एडिशन ऑफ H2 उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ से एक सीएल आया, एक ने यहाँ से अटैक किया, बोला तुम एक बॉन्ड बनाओ ना, इतना सारा उसके पास इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास पास है, रिपल्सन कितना ज्यादा, हटाओ हमसे बना लो। तो बोलो अब क्या होगा, इसके यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, अर्पिता नाम बताओ इसको, एक ही बता पाएगा इतने बच्चे में, और एक जरूर बता लेगा, हर बार बताता ही है, साक्षी रुआंशी, अभी तक आ गई, और भी कुछ करो, अभी लोकेंस का ऐड होना बाकी, टेट्रा हो गया, क्या चार है, कहीं पर भी हो उतने एक ही ग्रुप में, आप बोलो ट्राई करो, क्लोरो 2.2 इथेन, ये बता दिए, देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया, इन्होंने इसकी लिंक ले ली होगी, और वन और टू, वन वन टू टू टेट्रा क्लोरो इथेन, टू भी आ गई, टू कॉमन टू, वन वन टू टू और टेट्रा, भाई वो केमिस्ट्री की मास्टर है, तुम लोग का क्लोरो इथेन, बात समझ आ गई। तो अगर मान लो एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो तो क्या हो, ब्रोमिनेशन, और एडिशन ऑफ वाटर हो तो क्या होगा, हाइड्रेशन। तो किसी ने क्या किया, इथिल लिया और 443 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा पानी डाल दिया, और फिर मजे से शराब पी, ये देखो H2O है, तो एक H यहाँ और एक OH यहाँ, तो अब इसको कितने डिग्री पर, 443 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H इसके साथ चला गया, और एक बॉन्ड तोड़ के हेलो
चलो अब यहाँ पे क्या हुआ OH, तो क्या दिख रहा है, क्या ये CH3 है और CH2OH या फिर क्या है CH3 CH2OH या क्या है C2H5। तो आपसे कहेगा कि राइट ए रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, यही लिखना है, ऐसे लिख दो या ये ना लिखना चाहिए, लिख दो ये सब मत लिखना, यही लिख देना, वो तो समझाने के लिए बताया जाता है, ठीक है वही लिखो, वो तो मैंने दिखाया है कि ये टूट के एक एच इसमें जुड़ गया है, वो समझ में आ गई बात। तो इस चीज को क्या कहते हैं, दैट इज कन्वर्जन। अब जरा देखो कि वनस्पति घी मतलब वेजिटेबल ऑयल मूंगफली का तेल है, उससे वनस्पति घी कैसे बनाया जाए, क्योंकि बाजार में घी भी मिलता है, वनस्पति घी 100 रुपए किलो है और देसी घी 700 रुपए किलो है, तो वो जो 100 रुपए वाला घी है उसमें भी तेल की महक नहीं आती है, और उसी से आजकल सब बारात में खाना बनता है, वो बहुत महंगा आता है, पहले रफ और डालडा आया करता था ना, कभी यूज किया हो तो, नहीं किया है तो वो देखो इस रिएक्शन को देखिए, ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट की रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल इज एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जैसे आप देखो हाइड्रो, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब हो सकता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जैसे मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब होते हैं कि नहीं, तो हमने ऐसी रिएक्शन, ये चीज है, ये ऑयल है, चार तरफ क्या एल्काइल ग्रुप लगे हैं अपनी बुक में देखो, और बीच में डबल बॉन्ड है, और यदि इसमें H2 जोड़ दिया जाए, अच्छा इसका नाम तो बताओ, वेजिटेबल जैसे ग्राउंड नट ऑयल मूंगफली का तेल, अरे उसमें तेल रहता है तभी तो मूंगफली जो भूनी जाती है वो सोंधी सोंधी लगती है तेल की वजह से, मूंगफली खाते हो कि नहीं, भुनी हुई अच्छी क्यों लगती, क्योंकि उसके अंदर ऑयल, तो उसी की खुश्की है। अब जरा देखो ये बताए, इसी चीज को हम लोग पहले ही कह रहे थे कि देखो अर्पिता के होने की कितनी जरूरत है, निकिल अभी तुम्हारी बात समझ है, तो इसमें हम क्या करते बताइए, निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति, निकिल के बर्तन जानते हो ना, निकिल हमने आपको दिखाया भी है, तो वो जैसे तुम्हारा निकिल प्लेटेड होता है गैस चूल्हा, तो 200 डिग्री सेल्सियस में ये घर घर में बनता है, क्योंकि वो जो तुम्हारा बर्तन था निकिल के कनस्टर बाजार में आते हैं उसी में डाल के, हमारे यहाँ किराएदार था घी वाला, वो गर्म करता रहता था, हम सोचते थे कि क्या कर रहा है, और छोटी छोटी हाइड्रोजन की टिक्कियाँ आती थी, वो डाल देता था, चलाता रहता था, थोड़ी देर बाद घी तैयार, अब हमें समझ में आता था वो ये हाइड्रोजिनेशन, और तब हम 8 साल के थे, हम परेशान कर क्या समझ, तो समझो 42 ईयर्स लग गए समझ। तो ये H लगा और ये क्या लगा, इसका नाम क्या लिखे बताइए, देखो That is वनस्पति घी, क्या लिख दें, वनस्पति घी, वनस्पति, ये तो इट इज ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ये बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। चलिए इस चीज को लिखें कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, देखो निकिल कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये इससे क्या होता है, इस पूरी चीज को लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी हाइड्रोजन का जुड़ जाना ही तो हाइड्रोजिनेशन है, तो बुक में कैसे भी जोड़ दिया डबल बॉन्ड पी, तो उन्होंने क्या किया है सर, वही अच्छे ऊपर जोड़ दिया, वही चीज है, लिखने के तरीके अलग अलग है, तो वही सर चीज, 3 बॉन्ड इधर 3 उधर है ना सर, तो, हाँ
यहाँ पे निकल के साथ पैलेडियम क्या होता है? पैलेडियम ये जो होता है ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्बर है। पैलेडियम और प्लेटिनम में बहुत सारा हाइड्रोजन, हमने कहा ना टिकिया आती थी, तो हाइड्रोजन की टिकिया लो या पैलेडियम में, इट इज अगर हाइड्रोजन का बहुत बड़ा एब्जॉर्बर है तो उसमें हम हाइड्रोजन, नहीं तो ऐसे हाइड्रोजन की गैस कहाँ से लाओगे, तो उसी में एब्जॉर्बर के बिकती है वही हाइड्रोजन। पैलेडियम देखो इन्होंने पढ़ लिया उतनी देर में जितनी देर हम लोग टाइम पास करें। सो दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, इसमें बदल गया इनटू वनस्पति, वो सेमी सॉलिड है, घी सेमी सॉलिड होता है कि नहीं, इनटू वनस्पति घी। वनस्पति घी है फैटी एसिड्स और इससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर नसों में तो ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है बाद में, इसे लोग नहीं खाने लगे, बोले ये सही चीज नहीं। तो वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज यूज्ड एट लार्ज स्केल, ठीक है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये आपका समझो दो नंबर का पूरा है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। आर एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल तो समझ रहे हो ना, एल्काइल हम कहीं भी लिख भी सकते हैं, सी एन एच टू एन प्लस वन, एक वैलेंसी खाली हो तो वो किसी से जुड़ जाए, यही चीज होता है। तो कल हम लोग मैथ करेंगे लेकिन एक घंटे मैथ के बाद या 45 मिनट्स के बाद फिर साइंस करें, क्योंकि वो चैप्टर कल छुट्टी है ना, हाँ परसों फिर साइंस ही रहे। बस ये सब तैयार करके आइएगा, पूछेंगे।